अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को नेट की कुर्ती और सर्कल प्लाजो बताऊंगी। देखिए ये हमारी नेट, हमने ये 2 मीटर लिया हुआ है। इसमें हमें कुर्ती बनानी है अस्तर डालकर, इसका अस्तर यूज करके उसके बाद हमें सर्कल प्लाजो कट करना है। और इसे हमने 3.5 मीटर लिया हुआ है अस्तर को। तो सबसे पहले हम कुर्ती का कपड़ा इसमें से अलग कर लेंगे। कुर्ती का जितना दामन है हम वो हिसाब से इसमें से कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पर 13 इंच कपड़ा माया मिलाकर कुर्ती का दामन में मार्जिन मिलाते हुए, देखिए यहाँ से 13 इंच को थोड़ा सा 2 काड़ी कम कपड़ा यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसे इस कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ से इतना कपड़ा अलग कर लिया है। ये कपड़ा हमारा अब 4 फोल्ड है। देखिए ये 1, 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह हमने ये पहले कुर्ती का कपड़ा इतना अलग कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े में हम सर्कल प्लाजो बाद में बताएंगे, पहले हम कुर्ती का डायग्राम डालेंगे। तो इस तरह हमें इस कपड़े को पहले बिछा लेना है और कभी भी हम पहले अस्तर पर डालेंगे कुर्ती का डायग्राम। देखिए इस तरह मैंने सी हुई कुर्ती को इस तरह रख लिया है। अब हम शोल्डर के पास से टेप को रखते हुए इसकी लंबाई ले लेंगे। देखिए इसकी लंबाई है 30 इंचेस यानी कि 30 इंच। तो पहले ये अस्तर है, इसमें हम 30 इंच लंबाई लेंगे। शोल्डर के पास टेप लगाते हुए इस तरह ऊपर की तरफ एक निशान लगाते हुए 30 नंबर तक निशान लगा देंगे लंबाई का। तो मैं कुर्ती का साइज भी लेने का तरीका इसमें बता रही हूँ। देखिए इस तरह 30 नंबर पर मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर ये हमारा 30 इंचेस है, ये हमारी लंबाई हो गई। अब हम दूसरा लेंगे शोल्डर। अब देखिए इस कुर्ती का शोल्डर किस तरह लेते हैं हम। ये जो हमारा आस्तीन लगा हुआ है यहाँ से इस बाजू में रख देंगे। देखिए इसका शोल्डर है 10 इंच। ये कुर्ती भी मैंने ही स्टिच की हुई है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप विजिट करेंगे तो चैनल पर। तो इसका जो शोल्डर है ये है 10 इंच और 10 इंच का आधा हम लेंगे ऊपर साइड जहाँ हमने 1 नंबर लगाया था 5 इंच, यानी 10 का आधा हम 5 नंबर पर टिक करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर हो गया। अब इसके बाद आर्म होल भी हम टेप को खड़ी रखते हुए मापेंगे। देखिए शोल्डर के पास से टेप को रखते हुए ये जो बगल है हमारा, यहाँ से ये 5.5 इंचेस लेना है। तो इस बगल के पास से हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। तो ये कुर्ती का जो बगल है आर्मोल, जिसे हम आर्मोल भी कहते हैं, वो 5.5 इंच पर है। तो इस तरह हम 5.5 इंच पर निशान बना लेंगे आर्मोल का। देखिए अब आर्मोल के बाद चेस्ट मापते हैं, जहाँ हमारा ये बगल रुका हुआ है वहीं से हम चेस्ट लेंगे। अच्छे से टाइट पकड़ेंगे हम कपड़े को। तो देखिए ये 17 इंचेस है, तो ये हमारा आर्मोल 17 इंचेस है। इसे हम 17 का हाफ करते हुए 8.5 ले लेंगे, वो भी हम जहाँ पर हमारा आर्मोल का निशान रुका हुआ है वहां पर 8.5 इंच ले लेंगे। 17 का आधा, चेस्ट हमारा 17 इंच है इस कुर्ती का, तो हम इसे आधा करते हुए 8.5 इंच लेंगे और इसी के आगे हम 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे। अब हम कम्बर की लंबाई लेंगे। शोल्डर के पास से हम टेप को रखते हुए कम्बर का निशान लेंगे। देखिए जहां हमारा इस तरह का शेप आता है यहाँ पर कम्बर होती है, तो ये बच्ची की कम्बर है यहाँ पर 12 इंचेस। या फिर आप एक तरीके से और देख सकते हैं, ये जो चौक है, चौक और बगल के बीच सेंटर में आप देख सकते हैं 12 इंचेस। तो इसकी कम्बर की लंबाई हम यहाँ पर शोल्डर के पास से 12 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। ये है वेस्ट लेंथ यानी कि कम्बर की लंबाई। अब इसी निशान पे जहां हमने 12 इंचेस का टेप रुकाया हुआ था यहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे, कम्बर की चौड़ाई। कम्बर की चौड़ाई देखिए 14 इंचेस है यानी कि 14 इंच। इसका हाफ अगर हम करेंगे तो 7 इंचेस आएगा, जो कि हम 12 इंचेस का जहां पर निशान लगाए हैं वहां पर 7 इंचेस का निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच इसमें मार्जिन भी लेंगे हम। देखिए जो हिप की लंबाई है ये 18 इंच पर है, यानी कि शोल्डर के पास से हम टेप रखेंगे और ये जो चौक है हमारा, ये स्लिट के पास से हम ध्यान देंगे तो ये 18 इंच पर है। तो इसी तरह हम शोल्डर के पास टेप रखते हुए नीचे 18 इंच पर एक निशान बनाएंगे। ये हमारे चौकों की लंबाई है जहां से हमें चौक ओपन रखना है। तो शोल्डर के पास से टेप रखते हुए मैंने चौक की लंबाई ले लिया है। अब चौक की चौड़ाई के लिए दोबारा हम इसे इस तरह ओपन रखते हुए चौक के निशान के पास, चौक के पास सिलाई के पास से इस सिलाई के पास हम मापेंगे, मेजर करेंगे। देखिए ये 17.5 इंचेस है,
ये 17.5 इंच है, तो 17.5 का जब हम आधा करते हैं, 17.5 का आधा करते हैं, तो 2 काढ़ी कम 9 इंच आता है, यानी कि 9.25 इंच, 9 इंचेस में 2 पॉइंट कम। तो इस तरह हमारी ये हिप की चौड़ाई भी हो गई। और यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन लेंगे, 1 इंच मार्जिन, यहाँ पर 1.5 इंच और ऊपर 1.5 इंच। अब इन सब निशानों को हम मिला लेंगे, इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे, बाहर के निशान से बाहर के निशान को, अंदर के निशान से अंदर के निशान को, इस तरह हम माया ले चुके हैं। अब हमारा है दामन, दामन कितना है इस कुर्ती पर हम फिर से मापेंगे। देखिए इस तरह 19 इंच, 19 इंच हमारा दामन है, यानी कि बॉटम। तो इस तरह हम 19 का आधा करते हुए 9.5, 19 का हाफ 9.5 इंचेस ले लेंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे। और इसे भी हम अंदर से अंदर के निशान को और बाहर से बाहर के निशान को इस तरह मिला लेंगे। अंदर का निशान सिलाई करने का है और बाहर का निशान कटिंग करने का है। देखिए अभी ये स्क्वायर है हमारा बगल आर्मोल, तो यहाँ पर हम 1 इंच का टेप इस तरह रखेंगे और इसे इसमें मिला लेंगे, राउंड करेंगे। आर्मोल में भी आधे हिस्से तक हम राउंड करते हुए मिलाएंगे। अब हम इस कुर्ती को कट करेंगे, शोल्डर के पास से हम शुरुआत करेंगे, इसके बाद आर्मोल कट करेंगे, इसी तरह हम बाहर वाली जो निशान है मार्जिन का उसे कटिंग करते हुए नीचे की तरफ कट करेंगे। देखिए अब सबसे नीचे हम 30 इंचेस जो निशान लगाए थे वो कट करेंगे। देखिए इस तरह हमारी ये कुर्ती तैयार हो चुकी है, सॉरी कटिंग हो चुकी है इसकी, कट कर चुके हैं हम। अब हम इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हिप का कट, यहाँ पर चेस्ट का कट और यहाँ पर कम्बर का कट। तो इस तरह हम 3 कट लगा लेंगे सिलाई में आसानी के लिए। देखिए अब हम बेल आस्तीन का अस्तर कट करेंगे। तो ये हमारा कुर्ती का जिस तरह बेल आस्तीन है हमें इसमें भी इसी तरह रखना है। तो पहले हम शोल्डर की सिलाई के पास से कोनी तक, यानी कि जो ये हमारा देखिए 9.5 इंचेस का ये आस्तीन की लंबाई है और यहाँ की चौड़ाई, यहाँ की चौड़ाई है हमारी 5 इंच। तो इस तरह हम अस्तर में भी कट कर लेंगे इतना कोनी तक का आस्तीन। अब देखिए कुर्ती के नीचे से जो कपड़ा बचा हुआ था ये 2 फोल्ड है, इसे मैं थोड़ा सा कपड़ा इस तरह 4 फोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा यानी कि 9.5 इंच तक हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने 9.5 इंच 10 इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये किस हिसाब से करेंगे हम बगल माप लेंगे। ये जो हमने कट किया हुआ है बगल, इसे हम कट बगल बोलते हैं। तो कट बगल को इस तरह राउंड करते हुए माप लेंगे। देखिए ये 9.5 इंचेस है, तो इतना ही कपड़ा हमें आस्तीन की चौड़ाई में लेना है, यानी कि यहाँ पर हमें 9.5 इंचेस कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह। ये देखिए ये 9.5 इंचेस है। तो अब हम आस्तीन की जो लंबाई थी कोनी तक हमारी, वो भी हमारी 9.5 इंचेस थी लेकिन सी हुई, तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन मिलाकर 10.5 इंचेस लेंगे। तो ये लंबाई हम 10.5 इंचेस लेंगे, 10.5 इंच, और इसमें हम शेप देंगे 3 इंच का। ऊपर से हम टेप रखेंगे लंबाई के पास से और 3 इंच के निशान पर एक लकीर बना देंगे, इस तरह निशान बना देंगे। और जो हमारा कट बगल है उसे इसी पे क्रॉस रखते हुए, देखिए इस पे 9.5 इंच 9.5 इंच क्रॉस रखते हुए इसे भी हम इस तरह क्रॉस निशान बना लेंगे। अब इसके बाद हम नीचे की चौड़ाई हमारी 5 है, इसमें 1.5 इंच मार्जिन मिलाते हुए इसे मिला लेंगे, 6.5 इंच लेंगे नीचे। देखिए यहाँ हमने चौड़ाई 5 ली है, गोलाई आस्तीन की गोलाई 5 और 1.5 इंच मार्जिन, और इसे इससे मिला लिया है। अब हम इस आस्तीन को शेप देंगे, आधे हिस्से तक हम ऊपर से रखेंगे शेप, राउंड बनाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद आधे हिस्से के बाद नीचे से राउंड करेंगे और इसे आस्तीन को भी हम कट कर लेंगे। देखिए मैं आस्तीन को भी इस तरह कट कर रही हूँ, ये हमारा कोनी तक का आस्तीन कट हो रहा है।
ये हमारा आस्तीन कट हो चुका है। अब हम इसके बीच सेंटर में कट लगाएंगे। देखिए ये हमारा आस्तीन कट हो चुका है। अब हम इस आस्तीन को और कुर्ती को नेट के कपड़े पर कट करेंगे। पहले तो हम पहले नेट का कपड़ा इस कुर्ती की तरह बिछा लेंगे। देखिए इस तरह हमने यहाँ पर नेट के कपड़े को भी दामन का मेजरमेंट लेते हुए इस तरह फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस कुर्ती को इस तरह रख देंगे जो हमने अस्तर कट किया हुआ था। इस कुर्ती को इस तरह रखते हुए हम 2 इंच बढ़कर कट कर लेंगे इसे, क्योंकि ये नेट का हमें लेंथ 2 इंच बढ़कर रखना है। तो यहाँ से नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। देखिए इस तरह हमने नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस कुर्ती को कट कर लिया है अस्तर को रखते हुए। तो ये हमारी इस तरह नेट की कुर्ती कट हो चुकी है। अब हम इसके आस्तीन लेंगे। आस्तीन कट करने के लिए भी हम ये जो हमारा यहाँ पर कुर्ती का नेट बचा हुआ है इसे इस तरह 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इस पर हम अस्तर लगाएंगे आस्तीन का जो हमने कोनी तक कट किया था। देखिए इस तरह हमने इस अस्तर को रख लिया है जो हमने आस्तीन में कट किया था। अब हम इसमें नीचे से बराबर में कट करेंगे, बढ़ाकर नहीं रखेंगे। देखिए ये हमारा आस्तीन पौन आस्तीन कट हो चुका है। अब हम इसके नीचे की बेल में अस्तर नहीं लगाएंगे, वो नेट से कट करेंगे हम। देखिए अब हम पहले इसे नेट को बराबर कर लेंगे, यानी एक जैसा कट कर लेंगे क्रॉस करने से पहले। अब हम देखिए इसको इस तरह क्रॉस कर देंगे। ये हमारा इस तरह क्रॉस हो चुका है। अब हम इसमें ये जो आस्तीन है इसे ही हमें ये लगाना है, तो यहाँ पर ये हिस्सा रख लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा ऊपर तक कम लेना है। तो इसे इस तरह रखते हुए मैं, ये आस्तीन का नीचे का हिस्सा है जो हमने गोलाई आस्तीन की 5 और चौड़ाई 1.5 ली थी 6.5, तो हम यहाँ पर इस तरह इसे कट कर लिए। देखिए ये कोना हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। अब इसमें हम लंबाई लेंगे घेरे की। अब देखिए ये हमारा जो बेल का साइज है, इस तरह हम इस पर ये बेल रख लेंगे। यहाँ पर मार्जिन हम 1/2 इंच रखेंगे, रखते हुए और इसे नीचे की भी मार्जिन लेते हुए हम इसे राउंड कट करेंगे। इस तरह हम कट कर चुके हैं। अब मैं टेप से इसका साइज माप कर बताऊंगी। देखिए इसकी मैं टेप से माप कर लंबाई बता रही हूँ, ये है 6 इंच। तो ऊपर लगाने के लिए भी जाता है और नीचे सिलाई करने के लिए भी जाता है। तो हम इसमें मार्जिन लेंगे। देखिए इस तरह जो हमने बेल कट की हुई थी नीचे की घेरा फ्रिल का, इसे मैं बेल बोल रही हूँ, ये फ्रिल बोला जाता है। तो ये इस तरह हो चुके हैं हमारे आस्तीन। अब हम इसमें सर्कल प्लाजो बताएंगे। देखिए ये बचे हुए कपड़े को हमें अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह बना लेना है, यानी कि अम्ब्रेला फ्रॉक जिस तरह हम डालते हैं उस तरह ये कपड़े को भी बिछाना है। तो ये 2 फोल्ड कपड़ा है हमारा 2 पदर, इसे हम इस तरह क्रॉस करते हुए बिछाएंगे। एक साइड कोने में हम इसे पकड़ लेंगे और इसे सर्कल प्लाजो की तरह बिछाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ऊपर में हिप की चौड़ाई लेंगे 9 इंचेस, यानी चौथा हिस्सा है ये, इसका 36 इंच है टोटल। 36 का हम चौथा हिस्सा ले रहे हैं 9 इंच लूजिंग मिलाते हुए, यानी 28 है उसमें हमने लूजिंग मिला लिया है। अब इसके बाद हम किस्तक लेंगे। किस्तक है इस शलवार की 11 इंचेस। देखिए ये 11 इंचेस है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा नेफा लगाना है इलास्टिक के साथ, तो इसलिए हम 1.5 इंच का टेप ऊपर की तरफ छोड़ेंगे। और किस तक 11 है तो इसमें 1 इंच मार्जिन मिलाते हुए 12 इंचेस लेंगे। तो ये इस तरह हमारी किस तक हो चुकी है। यहाँ से हम इतना गैप देंगे। देखिए यहाँ से मैंने 6 इंच का गैप दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर फिटिंग किस तक चाहिए। तो इस तरह हमें इसे राउंड कर लेना है। तो ये पहले मैं ऊपर का हिस्सा कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह हमारा ये हिप की चौड़ाई कट हो रही है। इसके बाद हमारी ये शलवार की यानी सर्कल प्लाजो की किस तक कट हो रही है। ऊपर का हिप का चौड़ाई और किस तक कट हो चुकी है। अब हम इसमें नीचे की घेरे की चौड़ाई लेंगे, यानी कि लंबाई का टेप लेते हुए घेरा बनाएंगे हम। टेप हमारा एक ही जगह कॉर्नर पर रहेगा। देखिए इस तरह इस कॉर्नर पर हमारा टेप रखेंगे और प्लाजो की सर्कल प्लाजो की जो लेंथ है 38 इंच, उसे हम यहाँ पर 38 इंच राउंड निशान बनाएंगे।
देखिए इस तरह हम टेप रखते हुए, देखिए अब 38 इंच यहाँ से टेप रखते हुए कॉर्नर पर हम 38 नंबर पर निशान बनाएंगे मार्जिन मिलाते हुए, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्टिक लगानी है ऊपर। तो यहाँ पर हम इस तरह कपड़े को 38 इंच पकड़ेंगे टेप को, और 38 इंच जहाँ हमारा आ रहा है राउंड, इसी तरह हम निशान बनाएंगे। टेप हमारा कॉर्नर पर ही होना चाहिए। इस तरह टेप को हम थोड़ा थोड़ा हटाएंगे, ऊपर से टेप हमारा बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ऊपर टेप हमारा कॉर्नर पर ही रहेगा और नीचे से टेप को हम 38 इंच हटाते जाएंगे। पूरा इसी तरह हम निशान बना लेंगे। इस तरह टेप रखते हुए मैं कंप्लीट निशान हमारा बन चुका है 38 इंच। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए अब मैं इसे राउंड में नीचे कट कर रही हूँ, जो हमने 38 का निशान लिया हुआ था। हमारे यहाँ पर जॉइंट आएंगे दो, ये देखिए घेरा हमारा कट हो रहा है। तो इस तरह हमारा ये सर्कल प्लाजो नीचे का हिस्सा भी हमने कट कर लिया है घेरे का। तो देखिए इस तरह दिखने में इस तरह होता है। अब हम यहाँ पर इसकी दो जॉइंट लेंगे, जो कपड़ा कम है इसकी जॉइंट बना लेंगे और ऊपर का नेफा निकालेंगे। तो जॉइंट के लिए मैं पहले इसे सर्कल प्लाजो को इस तरह रख रही हूँ। अब इस पर हम किनारा रखेंगे, यानी जो बचा हुआ कपड़ा है उसका किनारा ढूंढ कर इस पर रखेंगे जॉइंट कट करने के लिए। देखिए इस तरह इतना जॉइंट है हमारा, तो इसे हम हटाते हुए नीचे की तरफ रख लेंगे और चौक से टिक कर देंगे। जितना कपड़ा हमारा कम है वहां तक हम, देखिए ये दो जो जॉइंट है हमारे इस तरह निकलेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस जॉइंट को मैं कट कर रही हूं। ये तो हमारा जॉइंट कट हो चुका है सर्कल प्लाजो का। अब हम इसका नेफा कट करेंगे। देखिए इसकी जॉइंट इस तरह हो चुकी है। अब हम इसका नेफा कट करेंगे, यानी कि जो हमें ऊपर लास्टिक लगानी है उसका नेफा हम कट करेंगे। तो इससे हमने 9 इंच लिया हुआ था। देखिए ये जो हमारा हिप की चौड़ाई है जहां हमें लास्टिक लगाना है, ये 4 फोल्ड कपड़ा है और ये 9 इंच का है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये 18 इंचेस हो जाता है। तो हम 2 पदर कपड़ा रखेंगे नेफा कट करने के लिए। 2 फोल्ड कपड़े को हम 18 इंच कट कर लेंगे। तो इस तरह मैं 2 फोल्ड कपड़े को रख रही हूँ 2 पदर, और चौड़ाई में मैं 5 इंच लूंगी, क्योंकि इसमें ही हमें लास्टिक डालकर मोड़ना है मार्जिन के साथ। लास्टिक हमारी 2 इंच की है, तो जब हम इस कपड़े को 2 बार मोड़ देते हैं तो 1 इंच कपड़ा हमें मार्जिन के लिए चाहिए, इसलिए हम 5 इंच लेंगे चौड़ाई। और देखिए ये 18 इंच है हमारी हिप की चौड़ाई, तो ये हम 18 इंच लेंगे और यहाँ से 5 इंच लेते हुए इसे बॉक्स बनाकर इसे कट कर लेंगे। देखिए अब मैं इस नेफे के कपड़े को कट कर रही हूँ। ये लास्टिक डालने वाला नेफा है, जो हम सर्कल प्लाजो में लास्टिक डालेंगे। इसे भी बीच में से मैं 2 कर रही हूँ। तो ये हमारा नेफा भी कट हो चुका है, जो कि हम सर्कल प्लाजो में ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये इस तरह हमारा यहाँ का नेफा है, जो हमें इस तरह लास्टिक डालते हुए लगाना है। तो इस तरह ये किस्तक भी थोड़ी लंबी हो जाएंगी। तो ये था हमारा सर्कल प्लाजो का कटिंग का वीडियो और नेट की कुर्ती का। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।